हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज हम हमारे बाय एंड सेल स्टॉक सीरीज का फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि है बाय एंड सेल स्टॉक्स विद कूल डाउन, और इसमें इनफाइनाइट ट्रांजेक्शंस अलाउड है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम हमारे सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, यू आर गिवन है नंबर एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डेज। तो हमें एक वेरिएबल एन दिया गया है जो हमें बताता है कि हमें कितने दिनों के बीच निकालना है ये मैक्सिमम प्रॉफिट वाला। ठीक है, यू आर गिवन एन नंबर विच आईथ नंबर रिप्रेजेंट द प्राइज ऑफ स्टॉक ऑन आईथ डे। तो जो एक आईथ नंबर है, पर्टिकुलर नंबर है, वो हमारे उस दिन के प्राइस को दर्शाता है। ठीक है, यू आर रिक्वायर टू प्रिंट द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन मेक इफ यू आर अलाउ इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन बट हैव टू कूल डाउन फॉर वन डे आफ्टर वन ट्रांजेक्शन। तो हमें क्या बताना है, हमें यह बताना है कि हम कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन करके। और इसमें एक कंडीशन दी गई है कि हमें हर एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद एक कूल डाउन लेना है कि हम उससे अगले दिन, जैसे मानिएगा, देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने पहले दिन खरीदा, यहाँ हमने बाय किया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, चौथे दिन, तो हम चौथे दिन बेच रहे हैं। हम जैसे हमने पहले दिन बाय किया, दूसरे दिन हम बेच रहे हैं, तीसरे दिन बेच रहे हैं, चौथे दिन हमने कूल डाउन किया, तो पाँचवें दिन हम बाय करेंगे। ये नहीं कि हमने तीसरे दिन बेचा और चौथे दिन खरीद लिया, ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये वाली चीज़ है। यह क्वेश्चन हमारे पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता है। यदि आपने वो क्वेश्चन नहीं किया है तो आप वो क्वेश्चन करें सबसे पहले, फिर आप यहाँ तक आए, यहाँ आए। अगर यदि आप वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएगा। इसके अंदर एक नोट दिया गया है, नोट के अंदर क्या है, अच्छा, एक यू कैन बाय ऑन आफ्टर सेलिंग डे एट लीस्ट बिफोर बाइंग अगेन हैव टू कूल डाउन फॉर अ डे एट लीस्ट। ओके, ये चीज़ हो गया। नोट के अंदर क्या दिया गया, ये देयर कैन बी नो ओवरलैपिंग ट्रांजेक्शंस, वन ट्रांजेक्शन नीड टू बी क्लोज। तो मैं ये मानता हूँ कि आप सब लोगों को ये पता है, पिछले हम दो क्वेश्चन से यही चीज़ें देखते आ रहे हैं कि यहाँ कोई ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब बाय बाय सेल सेल, कि हम यहाँ खरीदें यहाँ बेच रहे हैं, यहाँ खरीद के यहाँ बेच रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि बाय वन बाय टू एस वन एस टू एस वन, यहाँ खरीदा यहाँ बेच दिया, यहाँ खरीदा यहाँ बेच भी दिया, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम कैसा कर सकते हैं, सिर्फ ऐसा कर सकते हैं, हम सिर्फ ऐसा कर सकते हैं, बाय वन एस वन बाय टू एस टू बाय थ्री एस थ्री, यहाँ खरीदा यहाँ बेच दिया, यहाँ खरीदा यहाँ बेच दिया, यहाँ खरीदा यहाँ, ऐसा कर सकते हैं हम, ओवरलैपिंग इसमें नहीं कर सकते। तो चलिए, हमने क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन के अंदर क्या है, मैं इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं और प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, और हर एक ट्रांजेक्शन के बाद एक कूल डाउन है। सैम्पल इनपुट के अंदर देख लेते क्या दिया गया है। सैम्पल इनपुट के अंदर हमें 12 दिन दिए गए हैं, हर एक दिन के हिसाब से हमें प्राइस दिया गया है। चलिए और देखते हैं नीचे, हमारा सैम्पल आउटपुट कितना आ रहा है, 19 आ रहा है हमारा सैम्पल आउटपुट, तो हमें ये निकालना है। तो चलिए, हमने क्वेश्चन देख लिया, आप चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो आप यहाँ व्हाइट बोर्ड पे देखिए, मैंने उन्हीं सभी 12 दिनों के प्राइस यहाँ लिख लिए हैं एक तरफ, और यहाँ तीन कॉलम बनाई, देखिएगा, बाइंग स्टेट प्रॉफिट, सेलिंग स्टेट प्रॉफिट और कूल डाउन स्टेट प्रॉफिट। यदि आपने पहला क्वेश्चन किया है तो आप सबको पता होगा बाइंग डे प्रॉफिट में, बाइंग स्टेट प्रॉफिट में, सेलिंग स्टेट प्रॉफिट में क्या होता था। बाइंग स्टेट प्रॉफिट में हमारे पास होता था कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टॉक है, हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टॉक है, और हम उससे कैसे, वहाँ कैसे हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ बाय सेल बाय सेल बाय, तो हमें यहाँ, हमारे पास यहाँ एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, और हम यहाँ कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता था कि हमारे पास बाय सेल बाय सेल बाय सेल, एक भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक भी एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं होता था, और हमें यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट बताना होता था। ये कूल डाउन इसके अंदर क्या होगा, बाय सेल कूल डाउन, फिर बाय सेल कूल डाउन, मैंने यहाँ गलत दिख दिया, यहाँ एक कूल डाउन भी आएगा, कूल डाउन भी, क्योंकि हम इसी कूल डाउन के बाद ही खरीद रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ कूल डाउन भी आएगा, बाय एक ट्रांजेक्शन दूसरी ट्रांजेक्शन कूल डाउन तीसरी, ऐसे होगा। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, हमारी अप्रोच को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया था कि हमें पहला स्टॉक खरीदना है, तो हम पहला कैसे खरीदेंगे, इनिशियली सब जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो है। ठीक है, तो यदि हम पहले दिन स्टॉक खरीदते हैं तो हमें लोन लेना कितने का पड़ेगा, -10 का, क्यों, क्योंकि हमारे पास
कितने रुपए हैं? 0 रुपए हैं पर्स के अंदर। यदि हम एक स्टॉक खरीदेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा 10 रुपए का। तो हमने वो ले लिया -10 रुपए, और पहला स्टॉक हमारे पास आ गया। पहले दिन हम बेचेंगे नहीं तो सेलिंग स्टेट में कोई प्रॉफिट नहीं होगा, जीरो। और यहाँ कूल डाउन तो होगा ही क्या जब एक ट्रांजेक्शन पूरी नहीं हुई। चलिए अब दूसरे दिन के लिए चलते हैं। हमें खरीदना कब है? कूल डाउन के बाद। यहाँ से हम देखते हैं, हमें स्टॉक अगर यदि हम नया खरीदते हैं तो हमें कितने पैसे का लोन लेना पड़ेगा? 15 रुपए का, क्योंकि हमारे पर्स में अभी भी 0 रुपए हैं। यदि हम नया स्टॉक खरीदते हैं तो हमें 15 रुपए का लोन लेना पड़ेगा, और यदि हम पहले वाला ही रखते हैं तो हमें कितने रुपए का लोन लेना पड़ रहा था? 10 रुपए का। तो बेहतर कौन सा है? 10 रुपए वाला। तो हम क्या करेंगे, इसी को एज इट इज रख लेंगे। हम आज नया नहीं खरीद रहे, हम 10 रुपए वाला ही रख रहे हैं कि हमने 10 रुपए का लोन लिया। चलिए अब यहाँ बेच दें। हमारा आज का प्राइस कितना है? 10, 15। लोन कितना था? 10। यदि हम आज बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 5 रुपए का। और हो क्या रहा है, पहले दिन खरीदा, दूसरे दिन बेच दिया, यह अभी भी 0 ही रहेगा। ठीक है, अब बात करते तीसरे की। हमारे कूलिंग स्टेट में कितने रुपए हैं? 0, क्योंकि हमें कूलिंग स्टेट के बाद ही खरीदना है। यदि हम आज नया खरीदते हैं तो हमें लोन कितने रुपए का लेना पड़ता है? 17 रुपए का। और यदि हम पुराने वाला ही रखते हैं तो हमें कितने रुपए का लोन लेना पड़ रहा है? 10 रुपए का। बेहतर कौन सा है, 10 या 17? 17 वाला ही बेहतर है, क्योंकि हमें यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसी को एज इट इज रख लेंगे। अब बात करते हैं इसकी, आज का रेट कितना है? 17। लोन कितने रुपए का था? 10 रुपए का। 17 - 10 = 7 रुपए। बेहतर कौन सा, 5 या 7? 5 वाले में ज्यादा है तो इसको यहाँ रख लेंगे। पहले दिन खरीदा, तीसरे दिन बेच दिया। अब बात करते हैं इसकी, ये एज इट इज। पहले दिन खरीद, 0 ज्यादा है कूलिंग स्टेट में या 5 ज्यादा है? तो 5 ज्यादा है तो 5 को यहाँ रखेंगे। पहले दिन खरीदा, दूसरे दिन बेचा, और तीसरे दिन कूल डाउन। कि पहले दिन खरीदा, दूसरे दिन बेचा, और तीसरे दिन हमने क्या किया है? कूल डाउन। चलिए अब नया स्टॉक खरीदते हैं। हमारे पास कितने रुपए हैं? 5 रुपए पर्स के अंदर रुपए हैं। खरीदना कितने का? 20 का। तो लोन कितने का लेना पड़ेगा? 15 रुपए का। तो 15 रुपए का लोन लेना बेहतरीन है, या फिर बेहतर है हमारे लिए, या फिर 10 रुपए का लोन? तो 10 रुपए का लोन। तो हम नया लोन नहीं लेते, हम पुराने वाले को ही एज इट इज रख लेते हैं। ठीक है, आज का प्राइस कितना है? 20। लोन हमारे पास कितने का? 10 का। अगर आज सेल करेंगे तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा? 10 का। पहले वाले में कितना है? 7। तो 7 ज्यादा है या 10? तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो आज हम V1 S4 बेच दिया। अब हम करेंगे कूल डाउन। तो कूल डाउन में देखिएगा, पहले दिन क्या था? 5 रुपए का कूल डाउन था, 5 रुपए का। और आज कितने दिया है? 7 का। तो बेहतर कौन सा है, आज वाला? 3 C4। ठीक है, चलिए अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि क्या होने वाला है। यदि हम नया स्टॉक खरीदते हैं तो हमें लोन लेना पड़ रहा है 9 रुपए का, और यदि हम पुराने वाला ही रखते हैं तो हमें लोन लेना पड़ रहा है 10 रुपए का। तो बेहतर कौन सा होगा, नए वाला? तो हम नए वाला यहाँ रखेंगे, और क्या होगा, B1 S3 C4। और आज खरीदा है तो B5, एक एक्स्ट्रा स्टॉक होगा। ठीक है, चलिए पहले मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, फिर देखिएगा। -9 रुपए का लोन लिया है हमने, B1 S3 C4 और B5 आज हमने खरीदा है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, आज का प्राइस कितना है? 16। लोन कितने का है? 10 का। यदि हम आज बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 6 रुपए का, और यदि हम पिछले वाला ही रखते हैं तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10 रुपए का। तो बेहतर कौन सा है, 10 वाला? मैक्सिमम रखना है हमें, हम इसको एज इट इज रख लेंगे। अब यहाँ देखिएगा, पहले वाले दिन थे 7 रुपए, और आगे यदि हम आज कूल डाउन करते हैं तो हमारे कितने मिल रहे हैं? 10 रुपए। आखिर में हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम। तो हम हमेशा मैक्सिमम की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिएगा अब देखिए, यहाँ यदि हम इसको लेके नया खरीदते हैं तो आज प्राइस है 18 रुपए, हमारे पास रखे हैं 10 रुपए। यदि हम इसको लेके खरीदते हैं तो हमें लोन लेना पड़ रहा है 8 रुपए का, और इसी को रख के करते हैं तो हमें लोन कितने का लेना पड़ रहा है? 9 रुपए का। तो बेहतर कौन सा है, 8 वाला या 9 वाला? 8 वाला, क्योंकि हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम। तो हम आज नया खरीद लेते हैं, B1 S4 C5 और B6, जो ये आज का स्टॉक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं प्राइस कितना है, 18 आज का।
लोन कितने का? 9 का। यदि हम आज बेचते हैं तो हमें 9 रुपए का प्रॉफिट होता है, और पिछले वाले में क्या था? 10 रुपए का। तो हम इसको एज इट इज ही रख लेंगे। अब कूल डाउन देखिएगा, यदि हम आज कूल डाउन करते हैं तो भी हमें सेम मिल रहा है, और पिछले वाला रखते हैं तो भी, तो हम इसको एज इट इज ही रख लेते हैं, आज कूल डाउन नहीं करते। ये C4 है। चलिए बात करते हैं, यदि हम आज नया स्टॉक खरीदते हैं तो हमें लोन लेना पड़ रहा है 12 रुपए का, और हम पिछले वाले को ही रखते हैं तो हमें लोन लेना पड़ रहा है 8 रुपए का, तो बेहतर कौन सा है? 8 वाला। तो हम 8 वाले को रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। यदि अभी तक नहीं आया तो मैं एक बार फिर से आप सबको दोहरा देता हूँ। हमने क्या किया है? सबसे पहले पहला स्टॉक खरीदा है, हमारे पास 0 रुपए थे तो हमें लोन लेना पड़ा 10 रुपए का। स्टार्टिंग में सेलिंग स्टेट में भी प्रॉफिट 0 होगा और कूलिंग स्टेट में भी प्रॉफिट 0 होगा। हमें यहाँ सभी मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। बाइंग स्टेट में हमारे पास एक स्टॉक एक्स्ट्रा होगा, जिसके अंदर हमारे सारे स्टॉक बराबर हो, एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी, मतलब कोई भी स्टॉक एक्स्ट्रा नहीं होगा। इसके अंदर हम कूलिंग स्टेट देखते हैं कि कब कूलिंग करनी है हमें, ठीक है? तो अब आगे देखते हैं कि हमने क्या किया है। पहले दिन लिया -10 रुपए का लोन। जब हम दूसरे दिन स्टॉक खरीद रहे हैं तो हम एक कूलिंग के बाद स्टॉक खरीदते हैं, तो यदि हमारे पास पैसे 0 हैं और हम नया स्टॉक खरीदते हैं तो हमें 15 रुपए का लोन लेना पड़ रहा है, और यदि हम पहले वाला ही एज इट इज रखते हैं कि आज नया स्टॉक नहीं खरीदते, पहले वाले को ही रख लेते हैं, तो हम 10 रुपए का लोन रखते हैं। तो कौन सा बेहतरीन था? 10 वाला। तो हमने उसे एज इट इज रख लिया। जब हमने बेचा तो हमें 5 रुपये प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आज का प्राइस 15 रुपये है और हमारे पास लोन 10 रुपये का था। तो 15 - 10 5 रुपये, तो ये हमारा 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है इस दिन। तो हमने 0 से बढ़ गए, हमें मैक्सिमम रखना है यहाँ, तो 0 मैक्सिमम है या 5 मैक्सिमम, तो हमें 5 रख लिया। चलिए ऐसे करते करते हमने सबके लिए देख लिया। यहाँ देखिएगा आप, हमारे कूलिंग स्टेट के अंदर 7 रुपये थे हमारे पास, और हमें खरीदना था 16 रुपये का। यहाँ तक तो सब सेम आ रहे थे, हम ऊपर वाले को यहाँ हमने चेंज किया। उसको देखिएगा हमने कैसे किया है। हमारे पास 7 रुपये थे हमारे पर्स के अंदर कूलिंग स्टेट के बाद, और हमें नया स्टॉक खरीदना है जिसका प्राइस है 16 रुपये। यदि हम आज वाले दिन आज हमारे रुपए यूज करके आज के दिन खरीदते हैं तो हमें 9 रुपए का लोन लेना पड़ रहा था, और यदि हम पहले वाले को ही रखते थे तो 10 रुपए का लोन लेना पड़ रहा था। हमें निकालना क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट। कि हम कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए? तो हम 9 रुपए का लोन लेते हैं तो वो अच्छा है, या 10 रुपए का लोन लेते वो अच्छा है? 9 रुपए का लोन। तो हमने 9 रुपए का लोन लिया और इसको यूज करते हुए आज के दिन स्टॉक खरीद लिया, ठीक है? यहाँ देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, इससे ज्यादा 10 था तो हमने 10 को रख लिया। अब ये देखिएगा कि 10 यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तो हमने क्या किया है, इसी को एज इट इज रख लिया है कि आज कूलिंग नहीं करते, पहले वाले दिन को ही कूलिंग कर लेते। अब यहाँ देखिएगा हमारे पास -8 है, आज 22 है, ठीक है? पिछले वाले दिन कितना था? 8। तो बचेगा कितना हमारे पास? 22 आज का प्राइस है, 8 रुपये हमारे पास लोन है, तो कितना बचेगा हमारे पास? 14 रुपये। 10 ज्यादा है या 14? 14 तो हमने बेच दिया आज। बाय सेल S4 को C5 B6, और आज सेल किया तो S7 पे हमने सेल कर दिया। अब कूल डाउन देखते हैं, ये एज इट इज ही आएगा क्योंकि आज भी बराबर है, तो हमने इसे एज इट इज रख लिया। तो उम्मीद करता हूँ मैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे हमने इसमें क्या किया है। तो चलिए अब हम हमारे कोड की तरफ चलते हैं। तो हमारे कोड के अंदर क्या दिया गया है? हमें एक एन दिया गया है जो दर्शाता है कि हमारे पास कितने दिन हैं, एक एरे दिया गया है जिसके अंदर हर दिन के हिसाब से हमारे पैसे स्टोर हैं, और एक फंक्शन दिया गया है जिसके अंदर हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारा बाइंग डे का बाइंग स्टेट का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जो क्या था, -ARR0, क्योंकि हमने पहले दिन उतने ही रुपए का लोन लिया था, ठीक है? आगे चलते हैं, हमारे पास है सेलिंग स्टेट प्रॉफिट। क्या था वो इनिशियली, शुरुआत में सेलिंग स्टेट कुछ नहीं होगा तो 0 ही होगा, ठीक है? फिर हमारे पास क्या था, कूलिंग स्टेट प्रॉफिट। कूलिंग स्टेट प्रॉफिट क्या था, वो भी 0 था। चलिए अब हम क्या करेंगे, सभी दिनों के लिए बाइंग स्टेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो हम पूरे एरे के अंदर आइट्रेट करेंगे तो हम वो कर रहे हैं, ठीक है? आगे देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ नया बाइंग स्टेट प्रॉफिट निकालना था, तो शुरुआत में 0 रखा है हमने, और एक नया सेलिंग स्टेट प्रॉफिट निकालना था, और एक और क्या था, नया
पुल डाउन स्टेट प्रॉफिट था जहां हम पुलिंग कर रहे थे। तो हमने देखेगा हम क्या कर रहे थे। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, यदि हम हमारा आज नया स्टॉक खरीदते हैं तो नया स्टॉक कैसे खरीद रहे थे, पुल डाउन वाले में आज वाला माइनस करके। क्यों देखिएगा आप जरा, मैं आपको फिर से दर्शाता हूँ हम क्या कर रहे थे। यहाँ यदि हम नया स्टॉक खरीद रहे थे, हम चेक कर रहे थे यहाँ से देखिएगा कि आज वाले पैसे में से इसको माइनस करके पता चल रहा था कि हाँ हमें यहाँ कितने 15 रुपए का लोन लेना पड़ रहा था और यहाँ 10 रुपए का लोन लेना। तो बेहतर कौन सा था, 10 वाला? हमने उसे एज इट इज रखा था, तो मैं आपको वही पहले एज इट इज वाला रख के दिखा देता हूँ। इफ कंडीशन ये होगी, एल्स वाली ये। एल्स में क्या था कि नया बाइंग स्टेट जो स्टेट प्रॉफिट आ रहा है पुराने वाले के इक्वल था, ये हो गया हमारा। और इसके अंदर क्या करे थे, यदि ये ज्यादा था बीएसपी से तो हमारा नया बीएसपी क्या था, बाइंग स्टेट प्रॉफिट, सीएसपी कूलिंग स्टेट प्रॉफिट माइनस आज का प्राइस। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए अब बात करते हैं हमारे सेलिंग स्टेट प्रॉफिट की। यदि हमारा बाइंग स्टेट प्रॉफिट के अंदर आज का प्राइस मिलाया जाए, क्या वो बड़ा है हमारे पुराने वाले से? और नहीं है तो हम क्या करेंगे, यदि नहीं है तो हम उसे एज इट इज रखेंगे। एज इट इज कैसे रख रहे हैं, नया सेलिंग स्टेट प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग स्टेट प्रॉफिट बस। और देखिए हम ये क्या कर रहे थे, हम यहाँ चेक कर रहे थे ये वाला ज्यादा है या ये वाला ज्यादा है। तो ये वाला ज्यादा था इसीलिए हमने इसको रखा था। और यहाँ चेक क्या कर रहे थे कि ये वाला ज्यादा है, जो ये नया 6 वाला आ रहा था, 6 यहाँ 6 रुपए का प्रॉफिट आ रहा था और पहले हमारे पास 10 था, तो यही हमने एज इट इज रखा है। तो एल्स वाले हमने ये किया है और उससे ऊपर वाले में हमने ये पार्ट किया है, समझिएगा जरा। न्यू एसएसपी क्या होगा, बीएसपी बाइंग स्टेट प्रॉफिट प्लस में आज वाला प्राइस, ये था अभी तक। अब बात करते हैं हमारे कूलिंग स्टेट। कूलिंग के अंदर हम क्या देख रहे थे, यदि हमारा देखिएगा, यदि हमारा पुराना वाला सेलिंग स्टेट ज्यादा है कूलिंग पॉइंट से, इसे ज्यादा था तो हमने उसे एज इट इज रख 5 को यहाँ रख लिया। और अभी यदि नहीं था तो हमने उसे एज इट इज रख लिया। आप यहाँ देख सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी देखिए पहले 5 था, फिर हमने देखा कि हमारा पुराने इससे नया जो हमारा ये वाला है वो पुराने वाले कूलिंग स्टेट प्रॉफिट से ज्यादा था, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया। तो अब ये अभी यहाँ भी हम यही करेंगे। इफ ज्यादा है हमारे कूलिंग स्टेट प्रॉफिट से, तो जो नया हमारा कूलिंग स्टेट कूल डाउन स्टेट प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, पुराने वाला सेलिंग स्टेट प्रॉफिट। एल्स में क्या होगा, यदि ज्यादा था तो क्या हुआ हमारे पास, नया सेलिंग स्टेट कूलिंग स्टेट प्रॉफिट क्या होगा, पुराने वाला कूलिंग स्टेट प्रॉफिट, हमने उसे रख दिया। अंत में हम क्या करते हैं, पुराने वालों को ही नई वैल्यू असाइन कर देते हैं। बाइंग स्टेट प्रॉफिट क्या होगा, न्यू बाइंग स्टेट प्रॉफिट। सेलिंग स्टेट प्रॉफिट क्या होगा, न्यू न्यू सेलिंग स्टेट प्रॉफिट। और कूलिंग स्टेट प्रॉफिट क्या होगा, न्यू कूलिंग स्टेट प्रॉफिट, यही हमने किया है। और अंत में क्या कर रहे थे, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो हम क्या सी आउट प्रिंट करवा रहे थे कि मैक्स सेलिंग स्टेट प्रॉफिट ज्यादा है या कूलिंग स्टेट प्रॉफिट ज्यादा है, जो भी इनमें से एक ज्यादा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। चलिए मैं आपको फुल स्क्रीन करके दर्शाता हूँ हमने क्या किया है, देखिएगा। सबसे पहले हमने लिया है बाइंग स्टेट प्रॉफिट जो कि इनिशियली माइनस ए आर एर के 0 के इक्वल है, क्योंकि हमने शुरुआत में उसी के बराबर लोन लिया था। सेलिंग स्टेट प्रॉफिट क्या था हमारा, 0। कूलिंग स्टेट प्रॉफिट क्या था, 0। फिर हमने क्या किया है, यहाँ पे आइट्रेट किया है पूरे को फोर लूप से, इनिशियली 0 से स्टार्ट करके पूरी सभी प्राइस तक गए हैं। और क्या चेक किया है, प्राइस
नया प्राइस निकाल, नया बाइंग स्टेट प्रॉफिट निकाला है, नया सेलिंग स्टेट प्रॉफिट निकाला है और नया कॉलिंग स्टेट प्रॉफिट निकाला है। ये हमारी कंडीशन थी कि अगर आज के दिन हम स्टॉक खरीद रहे हैं तो हमें आज का दिन आज वाला दिन का ज्यादा है बाइंग स्टेट के प्रॉफिट में या पहले वाला ही ज्यादा है। यदि पहले वाला ज्यादा है तो हम नए वाले बाइंग स्टेट प्रॉफिट को क्या रख रहे थे, पुराने वाला बाइंग स्टेट प्रॉफिट, नहीं तो हम नए वाले बाइंग स्टेट प्रॉफिट को, यहाँ आएगा न्यू न्यू बाइंग स्टेट प्रॉफिट को हम आज पुराने वाले कूलिंग स्टेट प्रॉफिट में से आज वाले प्राइस को माइनस करके जो हमें मैक्सिमम आ रहा था वो असाइन कर रहे थे। देखिएगा जो पीछे की तरफ, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं सेलिंग स्टेट प्रॉफिट की। सेलिंग स्टेट प्रॉफिट में क्या था, आज वाला प्रॉफिट ज़्यादा है या फिर पहले वाला, यदि आज वाला ज़्यादा था तो हम आज वाला ही उसे असाइन कर रहे थे, यदि आज वाला ज़्यादा था तो हम आज वाला असाइन कर, नहीं तो पुराने वाला सेलिंग स्टेट प्रॉफिट एज इट इज रहेगा। और अंत में देखिए हम क्या, हमने क्या किया है, हमने अंत में क्या किया है कि हमने कूलिंग स्टेट प्रॉफिट को देखा है कि पुराने वाला अगर सेलिंग स्टेट प्रॉफिट कूलिंग पुराने वाले कूलिंग स्टेट प्रॉफिट से ज़्यादा है तो नए वाला कूलिंग स्टेट कूल डाउन स्टेट प्रॉफिट क्या होगा, SSP। पुराने वाला सेलिंग स्टेट प्रॉफिट नहीं तो नया वाला कूलिंग स्टेट प्रॉफिट कितना होगा, CSP। ये मैंने आपको दर्शाया भी, फिर से मैं बता देता हूँ, आप यहाँ देखिएगा और यहाँ देखिएगा, ये वाला बराबर है, ज्यादा था तो ये वाला हमने रखा है, नहीं तो हमने इसे एज, जैसे 5 से ज्यादा 7 था तो हमने 7 को साइन किया। देखिएगा यहाँ 5 था कूलिंग स्टेट के अंदर, कूल डाउन स्टेट के अंदर, और यहाँ सेलिंग स्टेट के अंदर कितना था, 7, तो ज्यादा कौन सा था, 7 वाला हमने एज इट इज रख लिया। नहीं तो यहाँ देखिए ये बराबर थे तो हमने 10-10 को ही आगे बढ़ाया है, यही हमने किया है। और अंत में हमने वैल्यूज को असाइन कर दिया है, पुरानी वाली को ही नई वाली, और आखिर अंत में हमने मैक्सिमम को प्रिंट करवा दिया। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं कि क्या होता है रन। तो देखिएगा जो हमें इनपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए था 19, वही हमारा 19 आ गया है। चलिए अब इसे सबमिट करके देखते हैं। सबमिट करने पे हमें 10 में से 10 अंक मिल गए हैं। तो फिर से मैं एक बार आपको बताता हूँ हमने क्या किया है। हमने एक बाइंग स्टेट प्रॉफिट निकाला, सेलिंग स्टेट प्रॉफिट निकाला, और एक पूरी ट्रांजेक्शन होने के बाद हमारे पास एक कूल डाउन स्टेट प्रॉफिट था। तो हमने इसके अंदर हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टॉक था, इसके अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं था, और ये क्या कर रहा था कि एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद कूल डाउन कर रहा था। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।